जय सियाराम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल लड्डू गोपाल के भक्त में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भगवान शिव, जिन्हें कल्याणकारी भगवान माना जाता है, ऐसी कौन सी परिस्थिति आती है किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि स्वयं भगवान शिव उस व्यक्ति की सहायता नहीं करते हैं। तो चलिए जानते हैं, इस बात को हम एक कथा के माध्यम से जानेंगे। एक समय की बात है, माता पार्वती कैलाश पर बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं, भगवान भोलेनाथ को बुलाती हैं, उन्हें बड़े प्रेम से बिठाती हैं और उन्हें जो है स्वादिष्ट भोजन परोसती हैं। भगवान भोलेनाथ भी भोजन का पूर्ण आनंद ले रहे हैं कि अचानक ही भोजन के मध्य से ही वे उठते हैं, कुछ दूर चलते हैं और वापस लौट आते हैं। ये सब देख माता पार्वती बड़ी ही हैरान परेशान होती हैं और भगवान शिव से पूछती हैं कि ऐसा क्या हुआ भगवान कि आपने भोजन को मध्य में ही छोड़ दिया, कुछ दूर गए और वापस लौट आए। तब भगवान शिव ने बताया कि पृथ्वी लोक पर उनका एक भक्त है जो कि उनके नाम का जाप करते करते अचानक मार्ग भटकते हुए जंगल की ओर चल पड़ा। भगवान शिव के नाम की जाप की ध्वनि सुनते हुए जंगल में एक सर्प उस व्यक्ति के पीछे पीछे चलने लगा। जैसे ही व्यक्ति की नजर उस सर्प पर पड़ी तो उस व्यक्ति ने शिव नाम का जाप छोड़ दिया, भगवान पर से अपनी आस्था भी छोड़ दी, विश्वास भी छोड़ दिया और पास में पड़ी हुई वृक्ष की एक टहनी उठाई, उस टहनी से उस सर्प को मारने लगा। मारते मारते उसने उस सर्प की हत्या कर दी। अब तुम ही बताओ पार्वती, ऐसे में मैं उस भक्त की रक्षा के लिए किस प्रकार जा सकता हूँ? कुछ ऐसा ही हम सभी के जीवन में भी होता है। जब हमारे जीवन में सामान्य परिस्थितियां चलती हैं तब तो हम भगवान का नाम जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जहां परिस्थिति विपरीत हो जाती है यानी हमारे अनुकूल नहीं रहती है, उस समय हमारी आस्था और विश्वास डगमगाने लगते हैं और हम स्वयं ही उस परिस्थिति का सामना करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। विपरीत परिस्थिति हमारे जीवन में आती ही इसीलिए है ताकि हमारी भक्ति की परीक्षा हो सके। उस समय हमें हमारे भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और सब कुछ उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो और विषय बहुत अच्छा लगा होगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह की वीडियोस, रोचक जानकारियाँ, पूजा पाठ की विधियाँ आप तक लाती रहूं। तो अभी के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।